गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज संडे है तो आज तो बहुत सारा काम है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये हम बना रहे हैं राजमा का सब्जी। पहले राजमा उबला, रात का भिगोया हुआ राजमा, उसके बाद प्याज, अंदाज से पानी देना है, हल्दी देना है, नमक देना है, सरसों तेल देना है, बस। तो क्या फिर है, ये सारा सामान दे करके इसको उबालने के लिए सीटी लगा देना है। और आज ब्रेकफास्ट में था ब्रेड पकौड़े, जो हम बनाए और सबको खिलाए गर्मा गर्म। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज संडे है तो आज हम लोग जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लिए हैं। हम राजमा का सब्जी बनाए हैं, हर्षू को और पापा को ब्रेकफास्ट बना के दिए हैं, ब्रेड पकौड़ा और रूपा को भी, रूप को भी। और अब हम ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सेल्फ केयर होना चाहिए। उसके लिए रूप हमको मेहंदी लगा रही है बाल में। अब हम लोग साफ सफाई में लगेंगे, इसीलिए आज हम लोग जल्दी जल्दी खाना वाना खा लिए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए हैं, ताकि अब आराम से दिन भर साफ सफाई करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, मेरे बाल में मेहंदी लग गए हैं और मम्मी हम लोग को दे रही है दिए चाय। ये हमारा सुबह से पांचवा चाय है और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock। बस तो हम लोग साफ सफाई, चाय पी के साफ सफाई करेंगे। तब तक के लिए बाय। हम लोग साफ सफाई करे, काम करे, तो लड्डू हम लोग को अकेले कैसे छोड़ सकता है। तो वो हम लोगों का हेल्प कर रहा था और बोल रहा था, तुम लोग मुझसे कितना काम करवाते हो। फ्रेंड्स, आप अभी लड्डू क्या बोल रहे हैं ना, वो देखिएगा। हम लोग हेलो गाइस, गाइस हम लोग पहले नक को पोंछ लेते तब वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का काम वगैरह हो गया है, अब हम लोग नहा चुके हैं हम और रूप, और अब थोड़ी देर हम लोग सेल्फ केयर करेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। ये देखिए मेरी लाली नहा धो के कितनी साफ हो गई है। ये मेरी नहीं, ये बाबू की लाली है। लाली के पीछे एक दूसरी लाली छिपी हुई है, देख लीजिए। ये देखिए, इधर से देखिए। साफ सफाई, खाना पीना होने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम किए। उसके बाद मेरी एक भाभी पूजा की हुई थी, अहोरी अष्टमी की पूजा, तो बस हम लोग उनके यहाँ गए थे। आप लोग यहाँ जितने लोगों को देख रहे हैं, सब लोग मेरी चाचियाँ हैं। Thank you.
उसके बाद तो सब कुछ ठीक रहा, पर जब लड्डू घर आया तो लड्डू वहाँ गिर गया था और उसके पैर में मोच आ गया है या हेयर क्रैक हुआ है पता नहीं, बट उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वो पैर नीचे रख ही नहीं रहा और वो बोला कि हम बहुत थक गए, मेरा पैर दबा दो माँ। तो हम और रूप मिलके उसके पैर में मालिश कर रहे थे, बट उसके बाद तो रात भर वो रोया, सोया ही नहीं पैर के दर्द की वजह से, और पैर में स्वेलिंग भी हो गया था। तो गाइस आज की ब्लॉगिंग बस यहाँ तक। अगर आपको मेरा ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।